नमस्कार मित्रों, मैं अमित पटेल आपका अपने इस न्यू एकेडमी परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्रों, पिछली क्लास में हम लोग फाइबर क्रॉप के बारे में जानकारी लिए थे, तो फाइबर क्रॉप हो चुकी थी जूट काटन, मेनली इम्पोर्टेंट यही है। उसमें बचा था क्या, अलसी। अलसी भी एक फाइबर क्रॉप है, लेकिन उसको हम लोग तिलहन में देखेंगे। ठीक, आज हम लोग चालू करेंगे तिलहनी फसल। तिलहनी फसल में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि तिलहन में सबसे ज्यादा योगदान किस फसल का है। सबसे ज्यादा योगदान है मूंगफली का। पूरे भारत में सबसे ज्यादा तिलहन तेल का उत्पादन मूंगफली से होता है, तो हम लोग आज चालू करेंगे मूंगफली। मूंगफली, ठीक, इसका बॉटनिकल नेम हम लोग देखेंगे। मूंगफली एक तो दो प्रकार की होती है, एक गुच्छेदार एक फैलने वाली। तो बॉटनिकल नेम हम लोग देखेंगे इसका, गुच्छेदार का। गुच्छेदार बॉटनिकल नेम है एरेकिस। हाइपोजिया, एरेकिस हाइपोजिया। और इसकी स्पीसीज क्या है, फैस्टिगाटा। फैस्टिगाटा फैस्टिगाटा, ठीक। गुच्छेदार का बॉटनिकल नेम है एरेकिस हाइपोजिया और स्पीसीज फैस्टिगाटा। ठीक, आगे है फैलने वाली। फैलने वाली प्रजाति का बॉटनिकल नेम है एरेकिस हाइपोजिया और प्रोकम्बेंस। प्रोकम्बेंस ये तो हो गई इसका बॉटनिकल नेम। दो प्रकार की होती है, गुच्छेदार एक फैलने वाली। ठीक, आगे है फैमिली। मूंगफली क्या है, लेग्यूमिनेसी कुल का है। लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है और इसका क्रोमोजोम नंबर कितना होता है, 40। ठीक, गुच्छेदार फैलने वाली फैमिली लेग्यूमिनेसी, क्रोमोजोम नंबर 40। और इसका वर्जिन क्या है, ब्राजील। उत्पत्ति स्थान ब्राजील है। ब्राजील, ठीक, इतना नोट करिए। मूंगफली इसमें गुच्छेदार का एरेकिस हाइपोजिया फैस्टिगाटा और फैलने वाली का एरेकिस हाइपोजिया प्रोकम्बेंस। फैमिली लेग्यूमिनेसी होती है, क्रोमोजोम नंबर 40 होता है और जिन ब्राजील है। ठीक, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तिलहनी फसल है। भारत में सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन मूंगफली से होता है। ठीक, आगे देखते हैं। प्रोटीन, मूंगफली में कितना प्रोटीन पाया जाता है, 26%। 26% प्रोटीन पाया जाता है। और तेल, तेल कितना, 45% ऑयल होता है मूंगफली में। 45% ऑयल होता है। परीक्षा में एक और पूछा जाता है, इसकी खली में, खली में
कितना एनपीके पाया जाता है? तो खली में एन पी और के, तो एनपीके है 7.8% एन होता है, 1.5% फास्फोरस और पोटास, 1.5% के पाया जाता है मूंगफली में। ठीक, इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, भारत में तेल के उत्पादन में मूंगफली का 1st स्थान है, 1st स्थान है। ठीक, तेल उत्पादन में मूंगफली का 1st स्थान है। एरिया और क्षेत्रफल के बारे में हम लोग देखते हैं, मूंगफली के क्षेत्रफल में, ठीक, मूंगफली के क्षेत्रफल में भारत का प्रथम, क्षेत्रफल में तो 1st स्थान है, लेकिन उत्पादन में, दूसरा स्थान रखता है। ठीक, तो प्रोटीन 26% पाया जाता है, तेल परसेंट 45 होता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है मूंगफली में कितना प्रतिशत तेल पाया जाता है, खली में पूछा गया है, कई बार नाइट्रोजन पूछा गया है पेपर में कि नाइट्रोजन कितना होता है, 7.8%। ठीक, या 7 से 8 इसको कर लीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 7 और 8 के बीच में होना चाहिए। ठीक, भारत में तेल उत्पादन में मूंगफली का 1st स्थान है, तेल उत्पादन में मूंगफली का 1st है, और क्षेत्रफल में भारत का 1st तो है, लेकिन उत्पादन में 2nd स्थान है। ठीक, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। भारत में तो हो गया, विश्व में हो गया भारत का स्थान, अब भारत में किस प्रदेश का 1st स्थान है ये देखेंगे हम लोग, कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कहां है। तो मूंगफली उत्पादन में भारत में, मूंगफली उत्पादन में किसका 1st स्थान है? गुजरात। ठीक, मूंगफली उत्पादन में गुजरात का 1st स्थान है। ठीक, गुजरात का 1st स्थान है, गुजरात का तो हो गया स्थान, और क्षेत्रफल, में भी गुजरात 1st है, ठीक, क्षेत्रफल में 1st है, लेकिन उत्पादकता प्रोडक्टिविटी, में तमिलनाडु, का 1st स्थान है, 1st स्थान है। ठीक, तमिलनाडु का 1st स्थान है। आगे देखते हैं परागण कैसा होता है। मूंगफली सेल्फ पॉलिनेटेड, मतलब स्वपरागित फसल है। क्या है? स्वपरागित है।
और आगे देखते हैं इसमें मूंगफली का 60 डे प्लांट है, 60 डे और क्या है C3 है, C3 क्रॉप है। पूछा जाता C4 या C3, तो C3 क्रॉप है और क्या है। पूछा गया मूंगफली किस ऋतु की फसल है, तो खरीफ, खरीफ ऋतु की फसल है, खरीफ ऋतु की फसल है ठीक। और मूंगफली के फल को क्या कहा जाता है, मूंगफली का फल क्या कहलाता है, पौड, मूंगफली का फल पौड कहलाता है ठीक। इतना नोट करिए, उत्पादन में गुजरात का प्रथम है, क्षेत्रफल में भी गुजरात का प्रथम है ठीक, लेकिन उत्पादकता में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है। स्वपरागित है मूंगफली, 60 डे प्लांट है, C3 क्रॉप है, खरीफ ऋतु की फसल है और इसके फल को क्या, पौड कहा जाता है ठीक है। इतना नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। अब आगे देखेंगे इसमें जो दो प्रजातियां होती हैं, एक गुच्छेदार एक फैलने वाली, तो उसमें तो एक अंतर पाया जाता है जर्मिनेशन में, फैलने वाली प्रजातियों में क्या सुसुप्त अवस्था पाई जाती है, क्या फैलने वाली किस्मों में मूंगफली की फैलने वाली स्प्रेड, फैलने वाली किस्मों में क्या पाई जाती है, सुसुप्तावस्था किस्मों में सुसुप्तावस्था पाई जाती है। जब सीड डॉर्मेंसी में रहेगा तो जर्मिनेशन तो होगा नहीं, तो क्या करते हैं उसके लिए, सुसुप्तावस्था तोड़ने के लिए पहली बात तो क्या करते हैं, अधिक तापमान पे, अधिक टेम्परेचर पे उसको स्टोरेज करते हैं। अधिक तापमान पर भंडारण करते हैं, एक तो ये हो गया, और दूसरा केमिकल से क्या करते हैं, इथिलीन क्लोरोहाइड्रिन, इथिलीन क्लोरोहाइड्रिन का कितना, 0.7% घोल, किस मात्रा में, 5 से 10 ppm की मात्रा में क्लोरोहाइड्रिन 7 का घोल, 5 से 10 ppm की मात्रा में
सीड को भिगोते हैं, ठीक। इससे मूंगफली जो फैलने वाली किस्म है इसकी डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाती है, ठीक। पूछा जाता है कौन सा केमिकल प्रयोग करते हैं, तो इथिलीन क्लोरोहाइड्रिन है, ठीक। इथिलीन क्लोरोहाइड्रिन का आगे है, इसका जलवायु देखते हैं, जलवायु में है 21 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान, तापमान उपयुक्त होता है। 21 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है और मृदा, मृदा में क्या रहेगा, सबसे अच्छी कौन सी मृदा होती है, हल्की दोमट, हल्की दोमट मृदा। और पीएच कितना, 5.5 से 7.5 पीएच उपयुक्त रहता है, ठीक। मूंगफली की फैलने वाली किस्मों में क्या पाई जाती है, सुषुप्त अवस्था, अगर पेपर में रहेगा सुषुप्त अवस्था मूंगफली की किस किस्म में पाई जाती है, तो किसमें, फैलने वाली में। और सुषुप्त अवस्था तोड़ने के लिए क्या करते हैं, अधिक तापमान पर भंडारण करते हैं। और इथिलीन क्लोरोहाइड्रिन का 0.7% घोल 5 से 10 ppm की मात्रा में सीड को भिगोते हैं, इससे डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाती है। जलवायु 21 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उचित रहता है, हल्की दोमट मृदा अच्छी मानी जाती है और पीएच 5 से 7 5.5 से 7.5 पीएच उपयुक्त रहता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए इतना। आगे देखते हैं इसकी प्रजातियां, इसकी प्रजातियां देखते हैं हम लोग कि कौन कौन सी किस्म मूंगफली की है। एक प्रजातियां देखते हैं, किस्म में कौन कौन सी है, किस्म में है चंद्रा हो गया, चित्रा और जीजी टू है, कौशल है, RS1 और कौशल। पूछा गया परीक्षा में चंद्रा, चित्रा, कौशल किसकी प्रजाति है, तो ये सब मूंगफली की है। कौशल हो गया, अगली प्रजाति है क्या, AK1224, ठीक। किस्म हो गया सीड रेट, सीड रेट कितना, तो इसमें दो प्रकार की किस्में होते हैं, तो दोनों में अलग अलग सीड रेट लगता है। पहला तो हो गया फैलने वाली में कितना सीड रेट लगता है, 80 से 100 केजी। और दूसरा गुच्छेदार में 100 से 120 केजी प्रति हेक्टेयर सीड रेट की आवश्यकता होती है। इसका स्पेसिंग हम लोग देखते हैं, फैलने वाली में 45x15 और गुच्छेदार में 40x15, ठीक। स्पेसिंग हो गया, सीड रेट हो गया,
आगे है बुआई का समय, बुआई का समय, बुआई का समय क्या रहता है जब खरीफ ऋतु की फसल है तो मई से जून, मई से जून बुआई का समय है। और अब इसमें क्या करते हैं, खाद एवं उर्वरक, खाद एवं उर्वरक, खाद एवं उर्वरक में क्या करते हैं, पहले तो 20 से 25 टन क्या FYM और NPK कितना, NPK का प्रयोग कितना करते हैं, 100 किलोग्राम N हो गया, 40 किलोग्राम P हो गया और 30 किलोग्राम पोटाश हो गया। और क्या सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है, जिप्सम, जिप्सम बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है मूंगफली के लिए। ठीक, कितना करते हैं इसका प्रयोग, 250 kg प्रति हेक्टेयर, 250 kg प्रति हेक्टेयर जिप्सम का प्रयोग करते हैं। किसमें, चंद्रा, चित्रा, कौशल, GG2, RS1, AK12, 24। ठीक, सीड रेट में फैलने वाली में 80 से 100 किलोग्राम और गुच्छेदार में 100 से 120 किलोग्राम। ठीक, बुआई का समय मई जून में करते हैं क्योंकि खरीफ ऋतु की फसल है। खाद एवं उर्वरक में 20 से 25 टन गोबर की खाद या FYM हो गया, NPK 140-30 है, लेकिन जिप्सम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, जिप्सम, जिप्सम कितना, 250 kg प्रति हेक्टेयर। ठीक, इतना नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। आगे सिंचाई देखते हैं, कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है मूंगफली में। एक पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट है, याद आ गया, मूंगफली की पत्तियों में पीलापन किस तत्व की कमी दर्शाता है, कमी। ठीक, वैसे तो अक्सर क्या होता है, पीलापन किसकी कमी के कारण होता है, नाइट्रोजन, लेकिन मूंगफली की पत्तियों में पीलापन किसकी कमी दर्शाता है, आयरन। ठीक, आयरन की कमी से मूंगफली में पीलापन होता है। आगे है सिंचाई अवस्था, सिंचाई अवस्था में मूंगफली में मुख्यतः तीन सिंचाई आवश्यक होती है, लेकिन किस किस अवस्था स्टेज में, तीन तो होती है, पहला तो रहेगा पुष्पावस्था, पुष्पावस्था। ठीक, दूसरा पैक बनते समय, पैक बनते समय। तीसरा पॉड फिलिंग या दाना भरते समय, दाना भरते समय। ठीक, प्रमुख कीट, इसमें देख लेते हैं प्रमुख कीट, आगे प्रमुख कीट, मूंगफली का प्रमुख कीट कौन सा है, व्हाइट ग्रब,
प्रमुख कीट व्हाइट ग्रब हो गया, ठीक। और देखते हैं, यही देख लेते हैं हम लोग क्या प्रमुख रोग, लीफ स्पॉट बहुत ही भयानक बीमारी है मूंगफली की। तो इसमें दो स्टेज होता है, एक अर्ली स्टेज एक लेट स्टेज। लीफ स्पॉट अर्ली में, कौन से कवक के कारण होता है लीफ स्पॉट? किससे होता है? कवक से, फंगस से। अर्ली में किसके कारण? सर्कोस्पोरा एलएचडी कोला एक कवक है, सर्कोस्पोरा एलएचडी कोला डी कोला, ठीक। अर्ली में, अर्ली स्टेज पे कौन सी फंगस से? सर्कोस्पोरा एलएचडी कोला। और लेट स्टेज, लेट पे क्या है, कौन से फंगस से? ये भी कवक से ही होता है। इसका क्या नाम है? सर्कोस्पोरा परसोनाटा, ठीक। एक बार देख लीजिए, मूंगफली की पत्तियों में पीलापन वैसे नाइट्रोजन से होता है, लेकिन मूंगफली में आयरन से होता है, ठीक। सिंचाई की अवस्था, मुख्यतः तीन सिंचाई आवश्यक होती है, पहला पुष्पावस्था पे, दूसरा पेक बनते समय, तीसरा दाना भरते समय। प्रमुख कीट क्या है? व्हाइट ग्रब है, ठीक। प्रमुख रोग लीफ स्पॉट है, ये कवक से होता है, लेकिन किस कवक से? परीक्षा में पूछा जाता है कौन सा अर्ली स्टेज पे कौन सा कवक उत्तरदायी होता है, तो सर्कोस्पोरा एलएचडी कोला, ये फंगस है जो अर्ली स्टेज पे लगता है, सर्कोस्पोरा एलएचडी कोला, और लेट स्टेज पे सर्कोस्पोरा परसोनाटा, ठीक। इतना नोट करिए, आगे बढ़ा जाए, नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं इसकी कटाई और उपज। कटाई का उचित समय क्या होता है? कटाई, ठीक। कटाई में कितने दिन पे? 120 से 150 DAS, मतलब डे आफ्टर सोइंग, बुवाई के 120 से 150 दिन बाद फसल तैयार हो जाती है। ठीक, 120 से 150 दिन बाद फसल तैयार हो जाती है। उपज दो होते हैं, गुच्छेदार, गुच्छेदार में कितना? 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गुच्छेदार में हो गया, फैलने वाली में कितना? 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, ठीक। और स्टोरेज कितने पे करते हैं? 8% नमी के साथ भंडारण करते हैं। भंडारण करते हैं 8% नमी के कारण,
कारण नहीं 8% नमी पर, ठीक। और आगे इसमें क्या इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, सेलिंग परसेंट, सेलिंग प्रतिशत, सेलिंग प्रतिशत जानते हैं क्या? दाना और छिलका का अनुपात होता है। सेलिंग प्रतिशत कितना होता है मूंगफली में? 70% है सेलिंग मूंगफली में, ठीक। आगे देखते हैं एक पॉइंट और, पेगिंग स्टेज कब आता है? पूछा जाता है मूंगफली में पेगिंग अवस्था कब आती है, तो कितने पे? 55 डी ए एस, 55 दिन बाद, ठीक। और मूंगफली में आप लोग जब मूंगफली खाए होंगे तो उसमें एक कड़वाहट आती है किसी किसी में, तो अफ्लाटॉक्सिन, तो किसके कारण होता? फंगस के कारण। मूंगफली में कड़वाहट किसके कारण? अफ्लाटॉक्सिन। अफ्लाटॉक्सिन है, ठीक। अफ्लाटॉक्सिन ये कि क्या होता है? कवक, कवक से होती है, फंगस से अफ्लाटॉक्सिन नामक बीमारी, जिससे मूंगफली एक अजीब स्वाद का हो जाता है, तीखा, ठीक। एक पॉइंट और है, मूंगफली भारत में आया कैसे, किसके द्वारा लाया गया? भारत में मूंगफली लाने का श्रेय किसको? जेसुफ फादर, जेसुफ फादर, ठीक। जेसुफ फादर को मूंगफली लाने का श्रेय दिया गया है भारत में। और कौन सी विटामिन मूंगफली में पाई जाती है? मूंगफली में सर्वाधिक मात्रा में, मात्रा में पाई जाने वाली विटामिन तो कौन सी विटामिन है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? विटामिन ई, ठीक, विटामिन ई है। देख लीजिए कटाई 120 से 150 दिन पे मूंगफली की फसल तैयार हो जाती है। गुच्छेदार में उत्पादन कितना होता है? 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। फैलने वाली में 20 से 30 क्विंटल होता है। 8% नमी के साथ भंडारण करते हैं। इंपॉर्टेंट है सेलिंग प्रतिशत, पूछा जाता है अक्सर, सेलिंग प्रतिशत कितना होता है? 70%, ठीक। पेगिंग अवस्था भी पूछी जाती है 55 दिन, 55 दिन के बाद पेगिंग अवस्था आ जाती है। कड़वाहट अफ्लाटॉक्सिन के कारण होता है। भारत में मूंगफली लाने का श्रेय किसको? जेसुफ फादर को, ठीक। जेसुफ फादर के द्वारा मूंगफली भारत में आई थी। और मूंगफली में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली विटामिन क्या है? ई है, ठीक। तो मित्रों मूंगफली समाप्त हुई। मूंगफली में इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, जितना इम्पोर्टेंट था सब बता दिया गया है, ठीक। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं आप लोग के साथ एक नई क्लास के साथ, दूसरे तिलहन के साथ, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।